हार्डलाइन अप्रोच की जरूरत है, जो मुझे लगता है हार्डलाइन अप्रोच की जरूरत है। आप मुझे हार्डलाइन की एक्सप्लेनेशन बताइए। मैं आपको बताता हूँ हार्डलाइन का मतलब। ये मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है जी। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि 2-3-4-5 महीने शाहीन बाग चलना जी, रास्ते बंद करना, कोर्ट कचहरी जाना, अस्पताल बंद कर देना, देश को धमकी देना, इसको होते देना, ये हार्डलाइन अप्रोच नहीं है। दूसरा, किसानों के नाम पर अब सब पता चल गया, हरियाणा के चुनाव के बाद कि कितने किसान किस तरफ है सब पता चल गया। किसान आंदोलन के नाम पर क्या हो रहा था, जो माओवादी कार्रवाई हो रही थी इधर, जो हर तरह के लोग प्रो खालिस्तानी प्रो माओवादी रास्ते बंद कर रहे थे, एक तरह से सरकार को बैकफुट पे करने की कोशिश कर रहे थे, तो ये सब तो मुझे लगता है कि ये स्मृति ईरानी जी, ये इलेक्टोरल डेमोक्रेसी नहीं है, ये स्ट्रीट डेमोक्रेसी है। और ये चाहते हैं हर मामला, एक मिनट में 10 सेकंड में खत्म करूंगा। इलेक्टोरल डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा टेस्ट ही ये है, आपके आज विपक्ष में ऐसे नेता हैं जो उन लोगों का समर्थन करते हैं जो मोदी को जान से मारने की धमकी देते हैं, बातें करते हैं भाई। तो लंबी छूट क्यों? लंबी छूट नहीं, मोदी जी और डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा टेस्ट ये है दैट एविडेंस बेस्ड प्रोसेस बेस्ड निष्पक्ष तरीके से एक निर्णय पर पहुंचना सड़कों पड़ेगा। सड़कों की राजनीति कब तक चलेगी? और लोगों को एक डाउट होती है कभी कभी, एक मिनट, इतना बड़ा देश, जब तक इतना देश बुलंद रहेगा तब तक ताकतें, इतना बड़ा देश 140 करोड़ लोग, इतना बड़ा देश 140 करोड़ लोग, और अगर कल कोई किसानों के नाम पे या किसी खालिस्तान के नाम पे या फिर कोई शाहीन बाग के नाम पे सड़क की राजनीति करके, और मीडिया का भी, मैं तो खुलकर कहना चाहूंगा, एक वर्ग है मीडिया का जो प्रोत्साहन देती है इन चीजों को। हाँ, और कनाडा में कैसे हो रहा है? तो मुझे डर है कि ऐसी सिचुएशंस के साथ देश को डिस्टेबिलाइज करने की कोशिश हो सकती है। और आप देख चुके हैं कि जो स्ट्रेटेजी है राहुल गांधी की, जा के वही है, लोगों को भड़काओ, रेलवे वालों को भड़काओ, सेना को भड़काओ, किसानों को भड़काओ, सनातन धर्म को तोड़ो, सनातन धर्म के खिलाफ बोलो कि सबको जात है। तो ये तो भड़कीली राजनीति है, मगर आपका रिस्पांस ये लंबी छूट वाली भी तो नहीं हो सकती। देखिए, भटकाने की राजनीति कर रहे हैं, इसीलिए आज तक सत्ता से भटक रहे हैं, सत्ता उनको मिल नहीं रही है, क्योंकि देश भी समझता है कि ये तोड़ने की राजनीति कर रहे हैं, देश को जोड़ने की राजनीति नहीं। मैं तो ये कह दूंगा कि अगर जस्टिन ट्रूडो अपने आप को गलत साबित नहीं करते परसों, तो राहुल गांधी जस्टिन ट्रूडो का भी समर्थन कर देते। आपको क्यों लगता है कि समर्थन नहीं कर रहे हैं? कहां आकर उन्होंने प्रखरता से कहा है कि मेरी देश की मीडिया पर इस प्रकार से जो आप प्रभाव डालने की कोशिश कर रहे हैं, या आप ऑफिशियल कम्युनिकेशन से जो प्रहार कर रहे हैं, मीडिया मेरे देश में फोर्थ स्टेट इंडिपेंडेंट है, सब कुछ लिंक्ड है। जैसे एक महीने पहले वो अमेरिका में जाके उन्होंने कहा कि हमारे देश में सिख जो सिख हैं वो कड़ा नहीं पहन सकते। उस दिन रात को मैंने कहा कि मैं खुद पिछले 35 साल से कड़ा पहन रहा हूं, जो मुझे सिख दोस्त ने मुझे दी। कौन है एयरफोर्स के आपके मुखिया कौन है? मगर क्या लिंक्ड है? मैं कह रहा हूं कि जो कनाडा ने किया, जो खालिस्तानियों को समर्थन हो रहा है, और एक महीने पहले अमेरिका में जाके जो राहुल गांधी ने कहा, क्या इसमें कोई लिंक नहीं है? क्या राहुल गांधी ने एक प्रो खालिस्तान लाइन नहीं ली एक महीने पहले, और एक महीने बाद उन्हीं खालिस्तानियों का समर्थन करने के लिए जस्टिन ट्रूडो ने अंतर्राष्ट्रीय साजिश की और मोदी का नाम लिया, हमारे प्रधानमंत्री का नाम लिया और हमारे देश के खिलाफ बात की? तो क्या ये चीजें लिंक्ड नहीं है? तो मैं फिर से पूछ रहा हूँ, ये किसके लिए कर रहे हैं? मैं दोबारा कह रही हूँ, वो चाहते हैं कि आपको उकसाकर आपसे कुछ ऐसा करवाया जाए ताकि आपके लोकतंत्र को वो देश में विदेश में कलंकित करें। इट टेक्स अ लॉट ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन टू एंश्योर दैट यू कीप फॉलोइंग द पाथ विच इज़ कॉन्स्टिट्यूशनली ओर्डेन्ड फॉर द हेड ऑफ गवर्नमेंट। नरेंद्र मोदी ने वो डेमोक्रेटिक रिस्ट्रेन और अपने संविधान, अपने पद के प्रति वो सम्मान और वो डिसिप्लिन दिखाया है। वो भी जानते हैं कि ये जो राजनीति राहुल गांधी कर रहे हैं वो राष्ट्र की उन्नति के लिए नहीं कर रहे हैं, वो इनफैक्ट विपक्ष की एकता के लिए भी नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ अपने आप को पॉलिटिकली रेलेवेंट रखने के लिए राजनीति कर रहे हैं। क्योंकि अगर वो ज़मीन पर रेलेवेंट होते तो जो कश्मीर में उनका हाल हुआ, जो हरियाणा में उनका हाल हुआ, वो कांग्रेस पार्टी का हाल नहीं होता।
उनको तो लगता है जम्मू कश्मीर सरकार में उनको 10 मंत्रालय मिलने चाहिए थे। मैंने कहा ना कि वो ऐसी पॉलिटिकल कॉम्प्लिकेशन है जो कांग्रेस पार्टी नहीं सुलझा पाई, तो साहब आप कहाँ से सुलझाइएगा। मगर आपने एक बात बड़ी बात कही है कि आपने कहा है जो सिचुएशन है देश में भड़काने की कोशिश बहुत होगी, मगर जो बात इन्होंने कही है कि मगर इस भड़काने के मगर धैर्य रखना होगा। आप कह रहे हैं कि धैर्य के साथ, क्योंकि आपके धैर्य उनका सबसे, एक सेकंड, उनका सबसे बड़ा प्रहार ही यह है कि अगर आप कांग्रेस पार्टी के नहीं हैं तो आपको लोकतांत्रिक तरीके से सरकार चलाना नहीं आता। नरेंद्र मोदी ने प्रूव किया कि लोकतांत्रिक तरीके से सरकार चलाने के लिए, देश को विकास के पथ पर ले जाने के लिए गांधी खानदान में पैदा होने की जरूरत नहीं है। और उनकी दुख तिरग यही है कि कोई तीसरी बार नॉन गांधी परिवार का देश का प्रधानमंत्री बन गया। उनकी दुखती रग यही है कि जिसे 2013 में तिरस्कार करते थे चाय वाला कह के, वो देश का प्रधानमंत्री बन गया। उनकी दुखती रग ये है कि जिसको हम जेल भरने की तैयारी कर रहे थे, किसी भी तौर तरीके से वो देश का तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गया। उनकी दुखती रग ये है कि वो प्रधानमंत्री है जो देश में और विदेश में भारत की विकास की सिर्फ बात नहीं करता, व्यवस्था करता है। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की बात करते हैं, बिल्कुल अलग। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग मतलब वो कंपनियां जो भारत सरकार की हैं और जो देश की पूंजी हैं, उनकी ग्रोथ हुई 225%। कैसे हुई? मोदी की सरकार में 10 साल में 5 करोड़ से ज़्यादा फर्जी लाभार्थी पकड़े गए। 40-50 साल की देश की राजनीति में वो 5 करोड़ फर्जी अकाउंट का पैसा कौन सी पार्टी के जेब में जा रहा था? तो राहुल गांधी पॉलिटिकली एक्सपीडियंट पॉलिटिक्स कर रहा है। अगर दम होता, हम तो गए, मैं गई ना अमेठी लड़ने, दम होता तो बनारस लड़के दिखाते, बड़ौदा लड़के दिखाते, अपनी गली में तो सभी शेर हैं। आप कह रहे दम नहीं है इसलिए अमेठी से भाग गए। अरे भैया, अपनी गली में तो सब शेर हैं। मगर आप ऑफर करिए ना उनको कि दम है तो लड़िए अमेठी से। मैंने तो पहले भी कहा था नहीं लड़े ना। एक बार और कह दीजिए। अब तो उनको तश्तरी में ला कर दिया जाएगा ना, लेकिन अब भी कह देती हूँ, अब भी अगर 29 में लड़ने की अमेठी कोशिश की तो जीतेंगे नहीं, वो उनको भी पता है। उतना तो मैंने तय करवा दिया वहाँ पे कि अगर 29 में अगर आने का वहाँ पर उन्होंने विचार किया तो धूल चटाएंगे बीजेपी वाले, ये तो पक्का है। यही तो है जो जवाब मैंने शुरुआत में मैंने पूछा था इनको। मगर स्मृति जी, हम तो चाहते हैं कि स्मृति ईरानी बनाम राहुल गांधी एक बार और हो जाए कि नहीं हो जाए, पब्लिक डिमांड है। मैं तो कहती हूँ कि आप कॉन्स्टिट्यूएंसी तो छोड़िए, बेखौफ आकर किसी राष्ट्रीय मंच पर स्मृति ईरानी छोड़िए, भाजपा के किसी साधारण कार्यकर्ता से राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा कर लीजिए। ये भी उनको छूट देती हूँ कि मंच के आसपास अर्णब गोस्वामी नहीं रहेगा, सिर्फ जनता रहेगी जिसमें इतना दम नहीं है, उससे आप लड़ने की बात करते हैं साहब। वैसे मेरी एक बार भेंट हो चुकी है। हाँ, उस भेंट का परिणाम क्या था देश ने देख लिया है। स्मृति ईरानी जी, क्या भारत खतरे में है? क्या जब तक मोदी है तब तक भारत खतरे में नहीं है?